ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा विजन 2026 के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे छत्तीसगढ़ में 74 यतीम और बेसहारा बच्चों को स्कॉलरशिप के चेक बांटे गए। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है, जिसके तहत यतीम और बेसहारा बच्चों को उनकी परवरिश और संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पालकों को जागरूक कर रही है। साथ ही ऐसे बच्चों को सालाना 18,000 रुपये का चेक प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में भिलाई के फरीदनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है और उसकी वजह से उनकी शिक्षा दीक्षा में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे बच्चों को ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 18,000 रुपये के चेक दिए गए, जिससे ऐसे बच्चों की शिक्षा पैसों की कमी की वजह से न रुक सके। इसके अलावा ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दे रही है। गरीब और मलिन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना भी फाउंडेशन की प्राथमिकता रही है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के छत्तीसगढ़ चैप्टर के सेक्रेटरी शब्बीर खान ने फाउंडेशन की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है जो यतीम और बेसहारा है, और उन्हें उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के लिए 18,000 रुपए सालाना मदद की जाती है। साथ ही मोहम्मद साबिर ने भी फाउंडेशन के कार्यों से न्यूज टीम को अवगत कराया एवं एक अन्य मेहमान ने ऐसे नए कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग देने की बातें भी कही हैं। शब्बीर खान, सेक्रेटरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन छत्तीसगढ़ चैप्टर। आज ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, जैसा कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, आज ये ऑर्फन बच्चे ने, ये यतीम और अनाथ बच्चों को हम जो है इनकी शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। ये स्कॉलरशिप साल का 18,000 रुपये होता है और पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त 74 बच्चों को हम जो है ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं साल का 18,000 रुपये, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और अपने साथ समाज के साथ देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद जी। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का छत्तीसगढ़ का मॉडरेटर। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गतिविधियों के साथ इन बच्चों को स्कॉलरशिप पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आई हुई है, जिसकी वजह से रुकी हुई थी, अब फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार आप लोग मदद कर रहे हैं बच्चों के तालीम हासिल करने में, तो क्या बच्चों कहने पे और उसके आगे भी उनकी मदद की जाएगी? जी हाँ, उसके हमारी जो कोशिश रहती है कि हर बच्चों को तालीम के लिए मदद किया जाए। ये तो यतीमों का स्पेशल है, इसके अलावा जो गरीब बच्चे जो यतीम नहीं है लेकिन वो किसी वजह से पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो उसकी भरपूर मदद करते हैं हम लोग और करते आए हैं। मोहम्मद जिल्लुर रहमान, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर CACB। मैं पहले दफ़ा यहाँ आया हूँ, इससे पहले इनका जो काम जो करते थे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। हमें बहुत दुख हुआ कि वो इतने लेट काम यहाँ आए, इतना यतीम बच्चे यहाँ हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था। हम लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं हमारे कौम के सभी जिम्मेदार लोगों से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, ये इस पर मदद करिए पढ़ने लिखने के लिए किसी का, पर्टिकुलर यतीम बच्चे के लिए, कि यतीम बच्चे के इस्लाम काफ़ी बोला गया है कि इनको मदद करना चाहिए, नहीं करते। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनके काम की सराहना करता हूँ और इनके तरक्की के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में विजन 2026 के तहत सराहनीय कार्य कर रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सुधार देखा जा रहा है, और इस फाउंडेशन के ऐसे जनहित के कार्यों से फाउंडेशन की चर्चा पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।